नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस समय हम प्रयागराज के बमरौली सिविल एयरपोर्ट पे आए हैं और जो कि भाई को रिसीव करने आए हैं। भाई हमारा पुणे से आ रहा है और 3 बजे फ्लाइट का टाइमिंग है पुणे से जो आती है, तो वही 10-5 मिनट लेट या हो सकती है, तो वही 3 बजे आ जाती है राइट टाइम। तो देखिए एयरपोर्ट के हम लोग बाहर हैं, पार्किंग स्थल में है। देखिए इधर कार वगैरह बाइक वगैरह इधर पार्किंग होती है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप लोग कार या बाइक लेकर आते हैं तो यहाँ खड़ी कर सकते हैं। बाइक का 10 रुपया है और कार का 20 रुपया है लगभग। तो हम बाइक भी अपना खड़ा कर दिए हैं, यहाँ से रिसीविंग ले लिए हैं पर्ची एंट्री करते समय। देखिए ये यहाँ से ले लिए हैं और दोस्तों इधर गए हैं ऐसे, वहाँ पे खड़ी किए हैं अपनी बाइक। और यहाँ पे दोस्तों सुविधाओं की बात करें तो आपको ATM वगैरह भी मिल जाएंगे, पार्किंग स्थल तो है ही है बाकी इधर बाहर में, और दुकान तो इधर नहीं है, अंदर है वहाँ पे उसके अंदर, और इसके गेट के बाहर है। इधर देखिए प्रवेश गेट है उधर, वहाँ से हम लोग एंट्री किए हैं। और दोस्तों हम बात करें तो अपने घर से लगभग एयरपोर्ट तो 25-26 किलोमीटर हमारे घर से पड़ा, वहाँ से अंदामा से लगभग झूसी से, तो यहाँ सिविल लाइन से वही लगभग 14-15 किलोमीटर पड़ेगा प्रयागराज की सिविल लाइन से। यहाँ से कैब वगैरह मिलती हैं, बुक कर सकते हैं और आ जा सकते हैं आप लोग कैब द्वारा। तो दोस्तों देखिए एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है पीछे, और जो कि यहीं से फ्लाइट चलती है और आती जाती दोनों हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं पास में और यहाँ के कुछ दृश्य दिखाते हुए आपको लेके चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे और बताएंगे कि कौन कौन सी फ्लाइट यहाँ पे आती है और कहाँ कहाँ की फ़्लाइटें आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों आइए फिर चलते हैं, कुछ वहाँ पे देखते हैं और आप सबको अवगत कराते हैं यहाँ के बारे में। तो दोस्तों आइए फिर चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आप लोग आए तो कार व बाइक इधर पार्किंग कर सकते हैं, इधर देखिए लोग पार्किंग किए हैं इधर, और हम भी वहाँ पार्किंग कर दिए, आगे अपनी बाइक खड़ी है यहाँ सामने। और अंदर एंट्री करने का इधर से भी रास्ता है यहाँ से, और वहाँ से भी है आगे से, देखिए उधर से भी है ऐसे ऐसे। दोस्तों यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है क्योंकि खुला आसमान है यहाँ पे, एकदम खुला हुआ है, अगल बगल कोई मकान उकान नहीं है, तो एकदम खुला है तो अच्छा लगता है। देखिए यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं आप लोग, हम लोग चलेंगे यहाँ से एंट्री करने। देखिए इधर भी फूल उल लगे हैं इधर, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए इधर भी कुछ ऐसे ऐसे फूल लगे हैं कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। और इधर देखिए ये फव्वारा बना हुआ है, नाइट में बहुत खूबसूरत जलता है ये, इधर सामने लाइट लगी है, ये एकदम क्लीन है। और इधर भी देखिए ये देखिए दोस्तों, इतना साफ है दोस्तों कि एकदम क्लीन दिख रहा है पानी पूरा नीचे तक। और इधर टर्मिनल है, ये टर्मिनल भवन देख सकते हैं ये। और इधर देखिए खूबसूरती के लिए इधर छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं इधर भी। और सिक्योरिटी दोस्तों बहुत ही यहाँ पे तगड़ा है देखिए। और इधर से पैसेंजर को लेकर के यहाँ से इधर इस तरफ से ऐसे आउट निकल सकते हैं इधर से ऐसे। देखिए टर्मिनल पे हम लोग आ गए हैं इधर,
और देखिए इधर इधर से हम लोग आते हैं, ये इधर देखिए लोग आए हैं छोड़ने अपने पैसेंजर को। और देखिए इधर एंट्री गेट एक इधर है और उधर दो है, तीन चार, ये कौन कौन सी फ्लाइट देखिए आ रही है आज प्रस्थान। देखिए भाई आ गया अपना, अभी मुलाकात करवाते हैं। और ये देखिए टर्मिनल है एयरपोर्ट का, यहाँ बमरौली एयरपोर्ट का, और अभी वहाँ पे हम लोग गए थे और वीडियो बनाए थे, दिखाए थे आपको। देखिए भाई आ गया पुणे से। और भाई क्या हाल है? चलिए ठीक है। कितने बजे वहाँ से पुणे से फ्लाइट चली? एक बजे। एक बजे राइट टाइम? राइट। यहाँ पे तीन बजे उतारी है? नहीं, दो पचपन के आसपास। 2:55 के आसपास, तो आइए फिर चलते हैं हम लोग। दोस्तों देखिए गाड़ी पार्किंग में खड़ी किए हैं, तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वो भीड़ ज़्यादा था, इस वजह से कार वगैरह लगी थी तो पार्किंग में खड़ा कर दिए। और अब हम लोग चल रहे हैं अपने बाइक के पास यहाँ से। और यहाँ से दोस्तों मुंबई तक की फ़्लाइटें मिल जाती हैं कई जगह। हमारे ख्याल से पहले तो कुछ जगह की फ़्लाइट चलती थी, और अभी मैंने वहाँ पे बोर्ड पे देखा तो प्रयागराज से हर जगह पूरे आर और इंडिया की फ़्लाइटें यहाँ से मिल जाएंगी। डायरेक्ट तो नहीं है कुछ, जैसे कुछ यहाँ से दिल्ली है, दिल्ली से बाकी आपको रहेगा दूसरे जगह, वैसे तो हर जगह की फ़्लाइटें यहाँ से प्रयागराज से दोस्तों मिल जाएंगी। तो वहाँ पे बोर्ड में क्योंकि निर्देशित किया गया था, अंकित हो रहा था वहाँ पे, डिजिटल चल रहा था, तो हम उसी में देखे हैं कि हर जगह की फ़्लाइटें थी। जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, हर जगह की फ़्लाइटें हैं। तो जैसे आप श्रीनगर बुक करेंगे तो यहाँ से दिल्ली आपको ले जाएंगे, दिल्ली से फिर श्रीनगर। और ऐसे देहरादून की फ़्लाइट है तो यहाँ से डायरेक्ट है, बेंगलोर की है, मुंबई की डायरेक्ट है, वाराणसी की है, कई जगह की डायरेक्ट है। और जैसे ज़्यादा लॉन्ग दूरी का तो चेन्नई करके। और भाई सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत। तो कितना टिकट प्राइस था हमारा? तो हम पहले ही कर लिए थे, इसलिए हमारा थोड़ा सा प्राइस कम हुआ। अगर जैसे जैसे आप पास आते हैं वैसे वैसे टिकट का प्राइस इंक्रीज होता रहता है, यानी कि लेट होता रहता है। तो जैसे अगर आप लोग आज करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्राइस रहेगा, और जैसे एक दो महीना पहले कर लेंगे, तीन महीना पहले कर लेते हैं तो कम रहता है। तो दोस्तों अब हम लोग पार्किंग स्थल में आ गए हैं, देखिए ये पार्किंग स्थल है यहाँ पे इधर, और बाइक वहाँ पे हम लोग खड़ी किए हैं, और बाइक पे बैठेंगे और आइए फिर चलते हम लोग बाहर और कुछ एयरपोर्ट के यहाँ के नज़ारे भी दिखा देते हैं दृश्य। आइए चला जाए दोस्तों। दोस्तों हम लोग एयरपोर्ट से अब वापसी यहाँ से चल दिए हैं, देखिए यहाँ से राइट लेंगे हम लोग, और ये सामने टर्मिनल आपको दिखाई दे रहा है, और इधर पार्किंग स्थल है इस साइड में, और हम लोग और आगे से राइट लेंगे, वहाँ से आगे से राइट लेंगे और पैसा वैसा देंगे यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे पैसा वगैरह शुल्क दे दिए, पार्किंग चार्ज 10 रुपया बाइक का, और अब बाहर चल रहे हैं। और इधर भी देखिए, इधर भी एयरपोर्ट का इलाका आ रहा है पूरा। ये हम लोग आ गए हैं और यहाँ से बाहर निकलेंगे, और हम लोग अब बाहर आ गए हैं दोस्तों। देखिए ये अब इस रास्ते से हम लोग चलेंगे, और इधर जाएंगे तो RTBP चले जाएंगे इधर कैम, और इधर से हम लोग एंट्री किए थे, और अब हम लोग घर चलेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। दोस्तों ये भाई बात करना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, अभी आपको मिलवाते हैं लास्ट में जाते जाते, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। आप लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो जर्नी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, इतना फैंटेस्टिक दिखा। अच्छा प्रयागराज एयरपोर्ट कैसा है? बहुत बहुत अच्छा है, हमारा प्रयागराज अभी डेवलप कर रहा है, बहुत अच्छा है। चलिए दोस्तों हम लोग अब घर चलेंगे यहाँ से, और ये भैया भी आ रहे हैं एक पूरे से। भैया कैसा रहा जर्नी? अच्छा रहा प्रयागराज का जर्नी? चलिए भैया थैंक यू आपको, धन्यवाद। दोस्तों आइए फिर अब घर चलते हैं हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।